पावरकॉम वालों जिहड़ा पेंडू खेत्र दे विच कट लाया गया उहदे नाल किसानां वालों मुश्किलां दा सामना किसान कर रहे हैं। जिहड़े किसान फुल्लां दी खेती करदे हैं, सब्जी दी खेती करदे हैं, उन्होंने ज़्यादा मुश्किल आ रही, उन्होंने पानी नहीं मिल रहा। दिन से कट लाता रात में लाइट नहीं आ रही, लाइट में जो 3 घंटे का टाइम दिता गया वो भी लाइट नहीं मिल रही है, जिस करके किसानों ने आज समाणा हिसार चंडीगढ़ सड़क पर आवाजाही ठप करके प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार बिजली बहाल करे ताकि किसानों की फसल जी सुख रही हैं वो ना सुखन, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। खासकर सब्जी की काश्त करने वाले और फुलों की खेती करने वाले किसानों बिजली ना मिल करके भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है, लेकिन कई थान जो आवाजाही ठप की गई किसानों वालों और बाद तकरारबाजी भी लोगों देखी गई। लोग कहें भी तुम विरोध करना है, अधिकारियों के दफ्तर बाहर करो, सड़कों के उत्ते ना करो, ताकि आम लोग जो सड़क जा रहे हैं, कोई मरीज है, किसी ने रिश्तेदार को जाना है, वो उस मुश्किल का सामना ना करना पवे। उसमें काम लगे हैं, क्या मुश्किल आ रही है आपको? सर हमने बहुत दूर जाना, रिश्तेदार बीमार हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जाना है आपने? हम नरवाना जाना है। अभी जाम लग रहा है, क्या हो रहा है, आप कैसे जाएंगे? समझ नहीं आ रहा, इनको रिक्वेस्ट भी करके देख ली हमने, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे किसी बात, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है अभी पब्लिक को क्यों परेशानी की क्यों किया जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। प्रोटेस्ट कर रहे हो, की मुद्दा है तुम्हारा? देखो जी, असी लगभग 1 हफ्ते तो परेशान हो रहे हैं, साढ़े ये 5-7 पिंडों के सब्जी की काश्त होंगी हैगी, पहला मटर तो बाद साढ़े बूटी लाई हुई हैगी, खरबूजे लाए हुए है, टिंडे लाए हुए है, फुलां दी खेती भी हैगी आ, इस करके उनू पानी की बहुत जरूरत हैगी आ। अजकल रोज़ दिहाड़ी पानी देना पैंदा है गया, इन्हां दे अधिकारियों नू असी वक्खो वक्खरे समय तो लगातार मिल रहे हैं, MLA साहब के भी ध्यान चा मामला, तो एक्शन साहब के भी ध्यान चा, वो कहिंदे नवे शड्यूल आए ने भी 3 घंटे देनी हैगी आ, वह भी 1 दिन छड के, वह भी जिहड़ी देनी सी वह भी 3 घंटे अज आई नहीं, उहदा भी पावर कट रहा है गया, हुण कलू ना गया गया तो परसों का कोई पता नहीं आउणी कि ना आउणी आ। ये देखो जिन्ना चिर साडा कोई मसलेदार कोई ठोस हाल नहीं हुंदा है गया, उन्ना चिर असी इत्थे बैठे रहना है गया। साडे नाल दे किसान वीर होर भी इत्थे आ रहे हैगे ने, क्योंकि किसी ने कोई जनरेटर लाया होया है गया, तुसीं इलाके दे विच जाके देख सकदे हैगे हो, इत्थों दे अधिकारी देख सकदे ने भी साडियां फसलां दा जिहड़ी हालत आ की हो रही हैगी आ। कारण बंद करिया रस्ता? ये रस्ता बंद कीता जी, जिहड़ी बिजली की सप्लाई है जी, उहदे विशे च असीं ये रस्ता बंद कीता है। सानू बिजली बहुत ही घट ते फसलां सुक रही ने, आ जिहड़ियां बूटी वगैरह ते बरसीन की फसल है, ये तुहानू पता किन्नी नाजुक फसल है, ते इहनू जे 3 दिन पानी ना मिले तो यह सुक जाती है। प्रशासन अपने बिजली बोर्ड को असीं गए, SDO साहब को भी गए, एक्शन साहब को भी गए, उन्होंने कहा तुहाडी एप्लीकेशन असीं लिख लैने आ, पर साडे हथ बस कुछ नहीं, उपर भेज दें, ये उपरों जो हुक्म आएगा वो बेस से असी करा। कदों तक बैठना ये असी जिन्ना चिर सानू कोई न्याय नहीं मिलता, फैसला नहीं मिलता, असी उन्ना चिर बैठा। पब्लिक हैरान हो रही है, लाइट तेनू मिलेगी उत्थे, लाइट मिलेगी ग्रिड से, लाइट मिल गया शड्यूल से, पब्लिक क्यों हैरान कर रही है? पब्लिक से लाइट मिलेगी तेनू? इधर भी मुड़ी इधर पब्लिक बना, इधर पब्लिक सुनी तरह के मेरा वीर है, लाइट तेनू मेरा मेरे तेन लाइट नहीं मिलती हैगी, लाइट मेरे ग्रिड घेर तू एक्सीडेंट में बाहर निकलने दे, खेतीबाड़ी नूं सर 3 घंटे सप्लाई मिलनी चाहिए है, तो उहदे भी कट आ रहे ने जी, जिवें कि 3 घंटे जी रात नूं 3:30 तो लैके 6:30 तक, शेड्यूल नहीं आता साडे कोल, सिर्फ AP फिल्टर ने खेतां वाले। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ BK ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਮਾਣਾ ਨਿਊਜ਼।